हे मेरा नाम है आकाश स्वागत है आपको टेक यस माइंड्स में तो पिछले हफ्ते बहुत सारे टेक न्यूज आया था पर मैं बिजी था आई कूड कवर ऑल द टेक न्यूज तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आज के टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं तो पहले शुरुआत करते हैं सैमसंग से सैमसंग ने यहाँ पर स्मार्ट मॉनिटर लॉन्च कर दिया है बाहर की कंट्रियों में अभी फिलहाल इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा बट इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे टीवी और कंप्यूटर मोनिटर की तरह आप इस मोनिटर को यूज कर सकते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग ज़्यादा दूर नहीं है बहुत ही जल्दी इंडिया में भी आ जाएगा अभी फ़िलहाल यूएस एस कैनेडा और चाइना में फर्स्ट लॉन्च होगा वहीं द नेक्स्ट न्यूज सैमसंग की तरफ से सैमसंग के Z फोल्ड FE ई यहाँ पर बहुत ही जल्दी इंडिया में आ सकता है और मैक्स वेनबैक ने इसके ऊपर ट्वीट भी कर दिया था कि इसी साल आएगा Z फोल्ड FE करके मुझे लगता है इस साल में FE आएगा बाहर के कंट्रियों में एंड प्रॉब्ली हो सकता है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इंडिया में भी आ सकता है जितने भी एफी एडिशन है सैमसंग की तरफ से ऑल दोज आर लेस to कम्पेयर टू दी प्रीवियस moving on ऑन द नेक्स्ट न्यूज सैमसंग का एक और मिस्टीरियस स्मार्टफोन यहाँ पर स्पॉट हो गया है स्ट्रेचेबल स्मार्टफोन है रिसेंटली हमें एल जी के तरफ से रोलेबल स्मार्टफोन्स के बारे में सुनने को मिला था बहुत ही जल्दी सैमसंग भी ऐसे कुछ स्मार्टफोन्स लेके आ सकते हैं द नेक्स्ट न्यूज़ इन मीडिया की तरफ से आर टी एक्स थर्टी सिक्सटी के साथ साथ आर टी एक्स थर्टी फिफ्टी आर टी एक्स थर्टी फिफ्टी टी आई और आर टी एक्स थर्टी एटी टी आई भी लॉन्च हो सकता है जनवरी ट्वेंटी वन में और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आर टी एक्स थर्टी सेवेंटी जो है आर टी एक्स ट्वेंटी एटी टी आई के साथ कॉम्पीट कर सकता है सो डेफिनेटली आर टी एक्स थर्टी सिक्सटी और नीचे भी जितने भी बेस वेरिएंट्स आएंगे जैसे 3050 या 3050 Ti दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ग्राफिक कार्ड्स जो भी है अभी फिलहाल रूमर्स है एंड वील गेट टू नो अबाउट दीज ग्राफिक कार्ड्स इन कमिंग डेजा द नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर इंटेल की तरफ से इंटेल का एक सर्वर ग्राफिक कार्ड रिस लॉन्च हो गया है एंड दिस ग्राफिक कार्ड इज केपेबल ऑफ मैनेजिंग 100 टू हंड्रेड फिफ्टी साइमल्टेनियस लोड ऑन जस्ट वन सिंगल ग्राफिक कार्ड मतलब समझो सौ से ज्यादा लोग एक ही ग्राफिक कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं मतलब बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड आ गया है जो भी है अभी फिलहाल सर्वर ग्राफिक कार्ड है दिस इज गोइंग टू बी वेरी हाईली प्राइस जो भी है हमें पता चलेगा so की तरफ से स्वामी के कुछ स्मार्टफोन्स यहाँ पर बूट होना शुरू हो गया है अपने आप रिबूट हो जा रहा है और कुछ डेटा भी यहाँ पर लॉस हो रहा है ऐसे कुछ न्यूज निकल के आया है एंड जितने भी एयरटेल यूजर्स है दे आर फेसिंग दीज इशूज करके हमें न्यूज मिला था एंड रिसेंटली इस चीज को मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने एयरटेल सिम में मतलब इट डज नॉट वेरी सिमिलर टू रीबूटिंग पर जितने भी लोग मुझे कॉल कर रहे थे दे आर नॉट एबल टू लिजन द रिंग टोन मतलब कुछ तो प्रॉब्लम था एंड मेनी ऑफ देम वे आर फेसिंग दिस इशू जो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके फोन में ऐसा कुछ हुआ है क्या सो मिंग द नेक्स्ट न्यूज शामी की तरफ से शामी रेडमी नोट 9 5G जी ऑफिशियली लॉन्च डेट बाहर आ गया है नवंबर ट्वेंटी फोर्थ चाइना में लॉन्च होगा एंड सुन इंडिया में भी आ सकता है आई थिंक Redmi Note 9 5G या कोई भी स्मार्टफोन्स इस साल इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि रिसेंटली मनु कुमार जैन ने ट्वीट किया था कि एक छोटा सा हिंट भी दिया था कि प्रॉब्ली इस साल में कोई और चीज़ें लॉन्च नहीं कर सकते हैं ऐसे कुछ हिंट था आई एम नॉट श्योर अबाउट इट पर उनके प्रोडक्ट्स लॉन्च भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है सो ऑन द नेक्स्ट न्यूज रियल मी एक्स सीरीज के कुछ स्मार्टफोन्स यहाँ पर 2021 में लॉन्च होगा ऐसे सी माधव शेठ ने खुद बताया था उनके ट्विटर अकाउंट पे सो so इस साल में तो रियल मी एक्स सेवन इंडिया में नहीं आएगा एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी लॉन्च इन द मंथ ऑफ जनवरी ऐसे मुझे लगता है तो चलो आज के टेक न्यूज़ बस इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय